पॉलिसी पंजाब दे अंदर लागू की गई आ कोई सिर्फ सुनील जाखड़ की जबानी नहीं पुख्ता सबूत है जेड़ा मैं गल कर रहा पुख्ता सबूतों के आधार से एन आई सेट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जिम्मेवारी के नाल मैं इल्जाम इन्हें ते ला रहा क्योंकि मैं एवे नहीं चीमा साहब का नाम विचाले खिंच लिया जिस तरह अन्ने वाह लुट पाई है दिल्ली के अंदर उथे तो इल्जाम लगे 100 करोड़ रुपये के इथे जेड़े है क्योंकि 1000 करोड़ रुपया इथे निकले ओ पैसा सानू बीजेपी नू अंदेशा है आम आदमी पार्टी की करतूतों नू निगाह च रख के इथे इलेक्शन के दौरान हुण 2 महीने के करीब पए है इथे अन्ने वाह दारू बिकू वंडी जाऊगी जेड़ा करोड़ा हर रुपया इन्होंने दारू चो पंजाब का नुकसान किया जेड़ा कहंदे सी 40,000 करोड़ रुपया कढ़ांगे 40,000 करोड़ रुपया कढ़िया दा गया पंजाब दे दारू दे धंधे चो पर वो सारा आम आदमी पार्टी ते केजरीवाल साहब ते पहुंचे एदे वास्ते असीं अपील करन आए हां अज इलेक्शन कमीशन नूं ताकि फौरी तौर ते ईडी नूं कह के जांच कीती जावे बिना समा व्यर्थ कीते हुए इन्हां दे जिन्हां ने जे सबूत इन्हां ने खत्म कीते है कोई बचदे सबूत काबू कीते जाण पंजाब की अंदर जिस तरह से दिल्ली में लूट हुई है उसी पद्धति पे चलते हुए उसी दिल्ली लीकर पॉलिसी को लेकर उसको इंटरमेंट यहाँ किया गया और यहाँ की लूट के ऊपर नकेल डालने के लिए ईडी से उनसे गुजारिश की है कि ईडी को हिदायत करें कि बिना देर कार्रवाई की जाए इससे पहले कि यहाँ के मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री सीएम पूल के अंदर जो कोठियां सुपर चीफ मिनिस्टर राघव चड्ढा जी या केजरीवाल साहब के दूसरे करिंदे जो यहाँ पे पंजाब सरकार को चला रहे हैं उनकी कोठियों में से जो भी सबूत जिसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है वो काबू किए जाए। जो आज पंजाब बीजेपी की तरफ से हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे केंद्र के अंदर मंत्री सोम प्रकाश जी हमारे पंजाब के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी हमारे एमएलए जंगीलाल जी गरेवाल साहब सांपला जी मैंने इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली के पास सिब्बन जी के माध्यम से पंजाब की अंदर जिस तरह से दिल्ली में लूट हुई है उसी पद्धति पे चलते हुए उसी दिल्ली लीकर पॉलिसी को लेकर उसको इंटरमेंट यहाँ किया गया और यहाँ की लूट के ऊपर नकेल डालने के लिए ईडी से उनसे गुजारिश की है कि ईडी को हिदायत करें कि बिना देर कार्रवाई की जाए इससे पहले कि यहाँ के मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री सीएम पूल के अंदर जो कोठियां सुपर चीफ मिनिस्टर राघव चड्ढा जी या केजरीवाल साहब के दूसरे करिंदे जो यहाँ पे पंजाब सरकार को चला रहे हैं उनकी कोठियों में से जो भी सबूत जिसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है वो काबू किए जाए। इसका जीता जागता उदाहरण है कि सीबीआई के पास जो रिपोर्ट इनिशियली गई थी जिसके चलते इवेंचुअली ईडी ने कल परसों गिरफ्तार किया है केजरीवाल साहब को उनके पास ये भी सबूत है कि 30 मई 2022 को सिसोदिया जी के यहाँ एक मीटिंग की गई जिसके अंदर पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर जो कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं हरपाल चीमा जी उनके साथ राघव चड्ढा जी जो उस समय एमपी भी नहीं थे और पंजाब के एक्साइज कमिश्नर और आला अधिकारी कैप सिन्हा जी वरुण रूजम जी उन सारों को उस मीटिंग में बुलाया गया। वहां पे ऑफिसर्स के एतराज करने के बावजूद क्योंकि पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने स्पष्ट कहा कि इस नीति एक्साइज पॉलिसी को जो दिल्ली के मॉडल पे पंजाब में लागू करने की हिदायतें दी गई थी उससे पंजाब में लोगों का रोजगार का नुकसान होगा पंजाब की आय का नुकसान होगा परंतु उनको ओवर रूल करके और वो पॉलिसियां इम्प्लीमेंट की गई है और इसी का जीता जागता सबूत है कि वो कंपनी जो कि दिल्ली के अंदर जिनकी वर्चुअल मोनोपोली है ब्रिंडको नाम की एक कंपनी जिसके प्रोपराइटर मिस्टर ढल जेल के अंदर बैठे हैं दिल्ली में सिसोदिया जिसे भी पहले गिरफ्तार किया गए थे उन्हीं के पास आज पंजाब के अंदर 40% शराब का दारू का व्यापार आज उसी कंपनी के पास में है जो इसके चक्कर में वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के अंदर गिरफ्त में जेल में बैठे हैं। तो मैंने बेनती की है सिब्बन जी से हमारे पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर से कि वो ईडी को हिदायत कर सकते हैं तो वो करें अदरवाइज
नेशनल जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके मार्फत ईडी को हिदायत की जाए, इस सारे धंधे को लूटा जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो सिर्फ 100 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा है केजरीवाल साहब पे, और यहाँ पे केजरीवाल साहब की हिदायत पे पंजाब के अंदर 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पे चूना पंजाब की जनता को मिला है, पंजाब के एक्सचेकर को लगा है, और वो पैसा सारा का सारा आम आदमी पार्टी की जेबों में गया है, और वो पैसा हमें अंदेशा है कि इस इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। जेलों के अंदर जो माफिया बैठा है, लिकर माफिया बैठा है, वो इनकी शय के साथ इलेक्शन के अंदर शराब का इस्तेमाल होगा, और नकली शराब, ये विडंबना है कि खुद मुख्यमंत्री के हलके में आज कल परसों दो दिन मिला के आज तक 21 मौतें हो चुकी हैं। ये जीता जागता सबूत है कि धंधा खुद सरकार के नाक के नीचे चल रहा है। वही इलाका हरपाल चीमा जी का है, और वही इलाका पंजाब के कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का है। उसके ऊपर भगवंत मान जी आज कुछ बोल नहीं रहे, परंतु गाने गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि उन्हें आज अपने आप पूरी चीफ मिनिस्टरशिप, बिकॉज ही वॉज जस्ट दी ज्योर चीफ मिनिस्टर, नॉट ए डी फैक्टर चीफ मिनिस्टर, सुपर चीफ मिनिस्टर यहाँ पे राघव चड्ढा जी थे, जो कि भनक लगते ही यहां से नदारत हो गए। और उसके साथ ही एक बेनती चाहे मैंने इनके सामने रखी है, ऑफिशियल तौर पे मेमोरेंडम में नहीं है, परंतु क्योंकि जो बात कल भी मैंने की थी और आज भी मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आज जब सारा हिंदुस्तान शहीदों के, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के उस अजीम शहादत को आज याद कर रहा है, नमन कर रहा है, वहीं पे मैं समझता हूं उन शहीदों को सही श्रद्धांजलि देश तभी दे पाएगा और पंजाब खास तौर पे से दे पाएगा, जब पंजाब के लोग जागरूक होके जिस बात के लिए कुर्बानी दी थी शहीद भगत सिंह जी ने, उनके असूलों के ऊपर, उनके सिद्धांतों के ऊपर पहरा देंगे और बहरूपियों से बचेंगे, जो कि आज उनके नाम के ऊपर शराब जैसे धंधे में ना सिर्फ लोगों को मार रहे हैं बल्कि पंजाब का सरमाया लूट रहे हैं, इनसे बचेंगे। धन्यवाद साहब।